गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जान पे खेल के एक शख्स की जान बचाई है। और बोलते हैं कि इंसानियत कहीं बाकी नहीं रही है, पर इस इंसान को देख के पता चलता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। चलिए जानते हैं ये कौन सा किस्सा है जो कि इंसानियत बयान कर रहा है। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। मुंबई के चरनी स्टेशन से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर श्रवण नाम का एक शख्स वहां पर खड़ा था और ये एक स्टूडेंट है। प्लेटफॉर्म नंबर फोर पे ये सब चीजें घटना वापरी और उस दौरान उसकी नजर पड़ी थी एक शख्स के ऊपर जो कि ट्रैक के बीच में गिरा पड़ा था। और उस दौरान उसको लगा कि शायद वो शख्स मर चुका है क्योंकि उसके सर के पास से खून बह रहा था। और जब वो उसके पास जाता है तब वो उसके नाक पे जब उंगली रख के देखता है तब उसको पता चलता है कि वो शख्स मरा नहीं है। इतने में ही देखता है कि उसी ट्रैक के ऊपर एक ट्रेन आ रही होती है। अगर वो ट्रेन को नहीं रोकता तो वो इंसान जो वहां पर गिरा पड़ा था घायल होके वो कुचला जाता। तभी की तभी उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर वो ट्रेन के सामने भागने लगता है और लोगो पायलट जब देखता है तब उसने इमरजेंसी ट्रेन की जो ब्रेक रहती है वो लगा देता है और वहां पर ट्रेन रोकता है। इतने में ही जब वो वापस जाता है उस आदमी के पास जो कि घायल हुआ होता है तब उसको पकड़ता है और चिल्ला चिल्ला के लोगों को वहां पर बुलाता है। वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद उसकी ट्रीटमेंट की जाती है और अभी बोला जा रहा है कि वो जो आदमी है वो एक्चुअली अभी सही हालत में है और उसने उठने के बाद बताया है कि वो कहां से बिलोंग करता है। और उसने बिलोंग करते हुए जब बताया कि मैं इस जगह से बिलोंग करता हूं तब उसके घर वालों को संपर्क किया गया और वहां पर बुलाया। जब वहां पर उस स्टूडेंट से बात की गई तब उसने श्रवण ने यह चीज बताया कि मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि ये आदमी जिंदा है और उसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और उस दौरान ही आप लोगों को पता है कि इंसानियत जिंदा होती है किसी किसी इंसान में। और कहीं पर हमें कोई ऐसे केसेस सुनने के लिए मिलते हैं जहां पर हमें लगता है कि ये सब चीजें इंसानियत कोई कुछ बची नहीं है जमाने में कि ऐसा सब चीजें कैसे हो सकती है। पर जब हम ऐसे किस्से सुनते हैं तब हमें लगता है कि इंसान में इंसानियत अभी भी जिंदा है, दूसरे इंसान के लिए भी इंसान भागता है और उसकी जान बचाता है। श्रवण ने ये सब चीजें कर दिखाई है और मिसाल खड़ी कर दी है एक इंसानियत की जिसके बारे में जान के काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। आई होप गाइस आपको भी जानकारी अच्छी लगी होगी, श्रवण की ये बहादुरी भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी कभी कोई इंसान ऐसा बहादुर मिला है जिसने आपके लिए कभी कुछ किया है बताइए जरूर अपना किस्सा अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, हमें भी आपके कमेंट पढ़ के काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।